चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसरों को देख रहे हैं। लुप्त हंसा किस देश की एयरवेज है? तो है जर्मनी की। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है केटू गॉडविन। अगला है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो 14.90 करोड़ किलोमीटर। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज बोधक है चार विराट नगरों का, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को अंतर संबंधित करने वाले सुपर राजमार्ग का। अगला है, योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है? 15 में। अगला है, गुरु शिखर एक चोटी है माउंट आबू में। अगला है, गोकुल ग्राम योजना चल रही है गुजरात में। अगला है, तेलुगु गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदार राज्य हैं आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। अगला है, नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। अगला है, संसार के निकिल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किस देश का है? कनाडा का। अगला है, प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी नदियां पश्चिम की ओर प्रभावित होकर अरब सागर में गिरती हैं? तो ये नर्मदा और ताप्ती। अगला है, कुओं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक अनुपात क्रमशः राजस्थान गुजरात व उत्तर प्रदेश में है। नलकूपों की प्रतिशतता किस राज्य में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। अगला है, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादकता असम में है जबकि सर्वश्रेष्ठ चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। देश में हरी चाय किस राज्य में पैदा हो की जाती है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है, बगली हार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? चेनाब पर है। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? मेघालय राज्य में। अगला है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। अगला है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है शनि के? अगला है, पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को। अगला है, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? सिस्मोलॉजी। अगला है, विक्टोरिया द्वीप स्थित है कनाडियन आर्कटिक में। अगला है, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? समशीतोष्ण पहाड़ी वन में। अगला है, यूरोप के वॉस जेज और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण है? भैंसोर पर्वत ब्लॉक। अगला है, फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। अगला है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में? राजस्थान में। अगला है, किम रिले रले किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए। अगला है, जियोग्राफिका के लेखक है ईरे स्टोरेथनीज। अगला है, किस स्थान के औसत तापमान एवं वर्षा की दिशाओं में निरूपित करने हेतु 12 भुजाओं वाले आरेख को क्या कहते हैं? हीदर ग्राफ। अगला है, उत्तराखंड की किस नदी पर हीरी बांध का निर्माण किया गया? भागीरथी और मिलंगना के संगम स्थल से नीचे। अगला, लेटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? अर्जेंटीना। अगला है, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाला गर्म धूल से लदा हुआ पवन कहा जाता है मिस्टल को। अगला है, तिब्बत का पठार विश्व में सबसे बड़ा एवं ऊंचा है यह जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है वे हैं कुनलुन हिमालय। अगला है, कुकी एक मंगलाइड प्रजाति है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में रहती है? असम में। अगला है, डोगर बैंक जो प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादक स्थल है स्थित है उत्तर पश्चिमी यूरोपीय तट पर। अगला है, भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली दो ट्रेन है समझौता एक्सप्रेस अटारी लाहौर, उत्थान एक्सप्रेस मुनावाओ खोखरा पार। अगला है, तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं वर्षा स्तरीय मेघों में।
अगला है चक्रवात क्या है? उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन। अगला है दक्षिण पूर्व एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध देश है लाओरा। अगला है नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है विराट नगर। अगला है रंगा नदी जल विद्युत शक्ति योजना जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ी है अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियां। अगला है नागरकोली श्रीलंका जाने के लिए किस जलडमरू खाड़ी को पार करना पड़ेगा? मन्नार की खाड़ी को। अगला है भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ है? कोचीन में। अगला है मंगोलॉयड मिलती है पूर्वी एशिया में। अगला है हमारा सार्गेसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला है रूर स्थित है जर्मनी में। अगला है स्वेज नहर की लंबाई है 166 किलोमीटर। अगला है किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? तो यह पामीर के पठार को। अगला अर्जेंटीना के पास के मैदान कहलाते हैं पंपास। अगला है इंदिरा गांधी नहर से किस क्षेत्र का भू दृश्य बदल दिया है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का। अगला है केगा किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए। अगला है किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र का। अगला है भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत को आप किस श्रेणी में रखते हैं? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में। अगला है भारत का उपग्रह इनसैट 4B वर्ष 2007 में कहाँ से छोड़ा गया था? फिंच गुहाना से। अगला है नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग की चोटी है? कुमायू हिमालय की। अगला है कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश ग्रह माना जाता है? तो स्टाम्बोली ज्वालामुखी। अगला है विश्व का कहवा पतन कहलाता है सेंटोस। अगला है किस नगर को जापान का पीट्सबर्ग कहते हैं? ओसाका को। अगला है हमारा कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में। अगला है तेलुगु गंगा परियोजना जल में किस राज्यों का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बंगलोर में। अगला है बंगी गम बक्की गम नहर का मुख्य उपयोग है नौका गमन। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है पंपास और स्टेपीज। अगला है नर्मदा और ताप्ती नदियों से कौन सा पर्वत गिरा है? सतपुड़ा पर्वत। अगला है सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट चट्टान से। अगला है वह नदी कौन सी है जिस पर सलाल जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण किया जा गया? चेनाब नदी जम्मू कश्मीर। अगला है तट रेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलावा? 200 नॉटिकल मील। अगला है राष्ट्रीय परमाणु शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? नागपुर में। अगला है निषिद्ध शहर का किसका नाम है? लिहासा तिब्बत का। अगला है नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान में। अगला है भारत मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। अगला है फूलों की घाटी किस राज्य में हो? उत्तराखंड में। अगला है गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो अटलांटिक महासागर में एक उष्ण धारा। अगला है जामनगर गुजरात में कारगत रिफाइनरी किस कंपनी की है? रिलायंस की। अगला है हमारा विश्व वन दिवस किस दिवस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को। अगला है जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। अगला है लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी प्रभावित होती है? सिंधु नदी। अगला है उदयपुर की खाने जावर खाने किस श्रेणियों के बीच कौन सी किसके लिए प्रसिद्ध है? जिंक के लिए प्रसिद्ध है। अगला है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक घना आबाद राज्य पश्चिम बंगाल। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार है बिहार। अगला है भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया गया? मार्केटर प्रक्षेप पर। अगला है हवाई द्वीप की खोज किसने की थी?
जेम्स कुक ने। अगला है नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। अगला है भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगला है विश्व में लोहे इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र है? पीट्सबर्ग। अगला है भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगला है विश्व में लोहे इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र है? पीट्सबर्ग। अगला है बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में? कर्नाटक में राज्य। अगला है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो याद रखिए पहले नंबर पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, टॉप 3 है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।